मुझे लग रहा है कि इतना जुल्म अगर अपना होता तो इतना जुल्म नहीं किया जाता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, क्योंकि बहुत फील हो रहा है कश्मीर जैसे डेवलप कर रहा था, जैसे उसकी इकोनॉमी डेवलप कर रही, वही ख़त्म हो चुकी है आजकल के डेट में। जो लोग बिल्कुल टूरिज़्म पे डिपेंडेंट हैं उनका बिल्कुल टूरिज़्म ख़त्म है आजकल। कोई देखिए कैसे ख़त्म है, पहले मैं आपको सिंपली ये बता, जब भी यहाँ से जाता है बंदा, मैं पहले नेशनल की बात करूँ, इंडिया से भी कोई बंदा जब जाता है ना तो वो होटल बुक करता है। तो अगर आप इंटरनेशनल पे जाओगे देन डेफिनेटली होटल कोई बुक करेगा, बंदे को आगे गाइड लेना, ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। जब इंटरनेट ही नहीं चलता तो जाहिर सी बात है तो ख़त्म हो चुका है। देन कमिंग इन टू द जो ऑर्चर्ड फील्ड है जिनको एप्पल ट्रेड है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन भी होता है, जब कम्युनिकेशन नहीं था तो सब लोगों ने बिल्कुल ऑर्चर्ड अपने एप्पल्स फेंक दिए। और यहाँ से एक टीम गई बाजार तक जो गवर्नमेंट ने भेजी, बोला कि ये लोग आपका एप्पल खरीदेंगे। उन लोगों ने ए ग्रेड का एप्पल सी ग्रेड में खरीदा। क्या यही है हम लोगों के साथ इंसाफ? क्या हम यही है हम डिजर्व करते हैं? फिर बोलते हैं कश्मीरियों ने बेचे नहीं। कश्मीरी क्या बेचेगा? कश्मीरी को बेचने के लिए अब रहा क्या? लगता मैम कश्मीर को जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो अपना हिस्सा नहीं मानती है, जैसे आपने कहा वो अपना नहीं मानती? ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। मुझे एक बात बताइए, क्या अगर आप कश्मीर 370 से पहले जाते थे क्या आपको कभी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी? कभी नहीं पड़ती थी। क्या आपको कहीं रुकाया जाता था ना? मुझे लग रहा है 370 से पहले अच्छे हालात थे, अब 370 की वजह से हालात बहुत खराब, क्योंकि जब आप एक बंदे को कैद करोगे जाहिर सी बात है हालात ख़राब हो जाएंगे। जब आप उनको अपने राइट से डिप्राइव करोगे हालात ख़राब होने ही हैं। सप्रेस मत करो, मेरा यही मानना है कि हम पीस लविंग पर्सन, कश्मीरी सबसे पीस लविंग पर्सन है, उनको आज़ाद कर दो। आज़ाद मीन्स, आज़ाद डजेंट मीन कि आज़ादी हम चाहते, आज़ाद मीन्स कि हमें अपने राइट्स दो। राइट्स मीन्स हमारा इंटरनेट रिस्टोर कर दो, हमारी लीडरशिप को रिलीज कर दो, हमारे बच्चों को रिलीज कर दो। क्योंकि आपने सोशल मीडिया में जो VPN यूज़ कर रहे हैं उनको बोला कि उनको मास FIR लगाया है, क्या बात है, क्या कर रहे हो? दैट मीन्स वी डोंट हैव एनी राइट। इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट, बट उसके बावजूद भी आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैम जब तत्कालीन जो गवर्नर थे वहाँ के, उन्होंने कहा कि जब ये यूटी बन जाएगा तो यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। क्या नौकरियाँ मिले? मुझे एक बात बताइए, इंटरनेट की वजह से लोगों की नौकरियाँ चली गई, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे टिल डेट, और उसके बावजूद बोल रहे नौकरियाँ मिलेंगी। आप लोगों ने JK कैडर भी खत्म कर लिया। JK कैडर क्या होता है कि जब IAS पोस्ट बंदा जाता था वो स्टेट कैडर में चला, वो भी खत्म कर, दिन पे दिन जॉब्स खत्म हो रहे हैं वहाँ पे, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, क्योंकि इससे आउटकम हमें नहीं पता कि रिजल्ट क्या आ सकता है आने वाले कल में। सबसे मुझे बताइए, हमारी जो अभी सरकार है विकास कर रही है, बोल रही है कि औरतों को हम ये राइट देंगे, बच्चों को हम ये राइट, क्या कश्मीरी बच्चे नहीं है? क्या कश्मीरी औरतें नहीं है जिनका बिजनेस खत्म हो गया? मैंने बात, सवाल ये है कि सरकार ये कह रही है कि जब से 370 हटी है उसके बाद से कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई है वहाँ, आतंकी हमले नहीं हुए, इस तरह की बात है। मुझे लग रहा आतंकी हमले में मैं नहीं जाना चाहती, बट आप मुझे टच करें, आप रोज न्यूज देख सकते हैं, आप ट्विटर देख सकते हैं, रोज अटैक्स कितने हो रहे हैं, रोज मिलिटेंट्स को मार रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर, क्योंकि हमारे जवानों का भी लॉस हो रहा है वहाँ पे बहुत, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो नाउ आप कमिंग टू द स्टोन पेल्टिंग, आप RTI किसी ने फाइल किया था उसमें RTI देखिए, RTI में ज़्यादा बोल रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग होगी। तो मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैंने RTI देख के ही बोल दिया कि वहाँ पे ज़्यादा स्टोन पेल्टिंग हो चुकी है। बट मुझे एक क्वेश्चन है कि आप कितनी देर सप्रेस करोगे? जो वहाँ का लीडर थे उनको भी कैद कर लिया गया है, क्या कहो? जिन लोगों ने बाय हार्ट प्रीएम्बल को माना था, जिन लोगों ने बाय हार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को माना था, उनको आप लोगों ने बंद किया, तो इससे बढ़कर डेमोक्रेसी पे थप्पा क्या होगा? आज जो आप
प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार? देखिए, अभी आजकल की डेट में सीए पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है, एनआरसी पे भी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमें कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं दिया, एलो नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, हम दिल्ली में आके प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, क्योंकि कश्मीर में तुम्हें अलाउड नहीं है। जहाँ पे अपोजिशन लीडरशिप चली जाती है, अपोजिशन जब चली जाती है तो उनको अरेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। बट यूरोपियन डेलीगेशन आप ला सकते हो, अगर यूरोपियन डेलीगेशन आप लाते हो फिर वो कमेंट करते हैं तो फिर क्यों वायलेट हो रहे हैं? अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक है, इफ एवरीथिंग इज ओके, देन व्हाई देयर इज इंटरनेट ब्लॉकेड? अभी भी स्थिति वहाँ भयावह बनी हुई है क्या? जैसे कहा जा रहा है इंटरनेट 2G तो चल ही रहा है वहाँ पर। मुझे एक बात, आई एम सो सॉरी फॉर 2G, इंडिया इज यूजिंग अ 4G नाउ, इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स अ 5G। और मुझे एक बात बताएं, उन बच्चों का हाल जिनको गेट का एग्जाम देना था, जिनको पता ही नहीं है फॉर्म निकला है। अंडरस्टैंड, यू गाइस आर ऑल्सो यूथ ऑफ द कंट्री, इफ दिस थिंग विल हैपन विद यू, व्हाट यू विल डू? तो कश्मीर की ऐसी हालत बनाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है सरकार की? डेफिनेटली पॉलिटिकल गेम, डेफिनेटली पॉलिटिकल गेम, उसके आगे कुछ नहीं। तो क्या लगता है सरकार से कोई उम्मीदें हैं कि अब आगे स्थिति सुधरे? मुझे अगर उम्मीद है वो तो सुप्रीम कोर्ट से है। सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे जिनको हमने बनाए और हम पे ही थोप रहे हैं? लेकिन लगातार सुप्रीम कोर्ट पे भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे फैसले सामने आ रहे हैं। जजमेंट जो दी है बहुत अच्छी जजमेंट दे दी है। अब 370 जो है वो लीगलिटी देखेंगे। बट मेरी एक सरकार से एक ही विनती है, सरकार से ये मेरी विनती है कि आप रिस्टोर करिए वहाँ पे, आप लोगों को सप्रेस मत करिए। जितना सप्रेस करोगे लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, औरतों में साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चों में। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है। देखिए, उस चीज़ पे मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं लीगल बैकग्राउंड से हूँ, मैं लॉयर हूँ। मुझे अगर मैं इंस्टीट्यूशन पे बिलीव नहीं करूँगी तो आप लोग कैसे करोगे? आर्टिकल 370 को खत्म होने के साथ साथ क्या ये माना जाए कि कश्मीर की जो आबादी है इनकी जुबान को बंद किया गया है? 100%। इसको कैसे एक्सप्लेन करें, किस तरह नजरिए से आप? देखिए, कश्मीर में आपको पहले आपको प्रोटेस्ट करने का कोई, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में राइट है, डेमोक्रेसी में राइट है आपको प्रोटेस्ट करने का। जहाँ पे दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है हर जगह, वहाँ पे एलो नहीं है, आप नहीं कर सकते। लघु उद्योग जो है, स्मॉल फैक्ट्रीज, उसमें कितना प्रभाव? बहुत खत्म हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका, एवरीथिंग इज शटेड नाउ, इवन टूरिज्म इज शटेड नाउ। आप आज गार्डियन में देखे, द गार्डियन में एक न्यूज आई है, टूरिज्म खत्म है। मोरओवर आई हैव अ फ्रेंड्स फ्रॉम टूरिज्म बैकग्राउंड, उनका पूरा खत्म हो चुका है। सरकार तो कह रही स्थिति सुधर रही है धीरे धीरे, मतलब सरकार के लिए तो सभी सुधरेगा। सरकार तो कुछ भी बोलेगी, सरकार को जनता को बेवकूफ बनाने, बट ये सरकार को एहसास नहीं है कि जनता ने उनको बनाया। बीजेपी मिनिस्टर सुना जाते हैं लंच करने, डिनर करने, उसके बाद ये कहते हैं कि जो स्थिति है काफी बदलाव है, काफी सुधार है। किसमें सुधार है वो आप उनसे क्वेश्चन? फैक्ट्रीज, टूरिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, एजुकेशन वहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे अभी विंटर वेकेशन चल रहे। जो परसों यूरोपियन डेलीगेशन ने एक बंदे, क्या नाम था वो, अफगानिस्तान के बंदे ने बोला था, मैंने अफगानिस्तान के बंदे ने बोला था कि वहाँ पे बच्चे स्कूल जाते थे, उसको ट्रोल किया गया। क्यों ट्रोल किया? क्योंकि आजकल विंटर वेकेशन चल रहा है, जब से 5th of August से अभी तक बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। ये डेमोक्रेसी पे एक दाग है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। यस, रियली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब मुझे देखिए ना, किस कॉलेज में बच्चे स्कूल गए हैं, किस स्कूल में गए हैं। इतना डिप इकोनॉमी हो गया, इतना खराब इकोनॉमी चल रहा है। विकल्प क्या है, क्या विकल्प? कश्मीर की आवाम को बंद किया जा रहा है, कश्मीर की आवाम को जब इंटरनेट नहीं, कश्मीर की आवाम को कुछ नहीं मिला, वो क्या बोलेगी अपने ही देश में? उसे कहते हैं कि आजादी आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद जो है, जो हमारा नई आजादी की शुरुआत है,
पर आपको एक सलाह है, देखिए मैं गवर्नमेंट कश्मीर पर देखिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, शायद इंटरनेशनल में ये यूनाइटेड नेशंस में जख्म था बट इसके ऊपर पट्टी लगी हुई थी, इसको खून रुक गया था, बट जब से 370 उठाया गया आपने इसको फिर से पट्टी को उठाया और इसको फिर से खून बहने लगा। आपने आपने फॉरेन कंट्रीज को बोला आ जाओ मैं ये कर रहा हूँ, आ जाओ आप मुझ पर कमेंट करो। लास्ट क्वेश्चन क्या कहेंगे मोदी शाह को, क्या कहेंगे? मैं उनसे देखिए जो हमने उनको रिप्रेजेंट हमने उनको चुना, हम लोगों ने उनको बनाया, देखिए उन लोगों ने हमें बनाया, अगर वो हमें रिप्रेजेंट करे मेरी एक ही विनती है कश्मीर में सब कुछ रिस्टोर कर लो नॉर्मल।